पिछले कुछ वर्षों में हॉलीवुड ने म्यूजिकल बायोपिक्स पर अपना दांव चला है। बोहेमियन रैप्सोडी से लेकर रॉकेट मैन तक कई फिल्म म्यूजिक पर आधारित फिल्में बन रही हैं। वहीं अब किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन की बायोपिक बनने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन पर एक बायोपिक फिल्म की तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक फिल्म प्रोड्यूसर ग्राहम किंग ने माइकल जैक्सन की लाइफ पर फिल्म बनाने से जुड़े अधिकार हासिल कर लिए हैं। ग्राहम किंग की फिल्म द डिपार्टेड को साल 2006 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड लेखक जॉन लोगान माइकल जैक्सन पर बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बायोपिक में माइकल की जिंदगी से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में बात की जाएगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि माइकल जैक्सन की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता इप्रेम साइक्स को चुना गया है। बता दें कि माइकल जैक्सन की लाइफ पर फिल्म बनने की खबरें ऐसे वक्त पर आई जब हाल ही में विवादित डॉक्यूमेंट्री लिविंग नेवरलैंड ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। गौरतलब है कि माइकल जैक्सन ने स्टारडम का सर्वश्रेष्ठ देखा था। उनके पास सब कुछ था, स्टारडम, पैसा, नाम, मतलब सब कुछ, लेकिन इसी स्टारडम ने उनके बचपन को उनसे छीन लिया और यही स्टारडम बाद में उनकी मौत का जिम्मेदार भी बना। माइकल जैक्सन की जिंदगी जितनी रंगीन दिखती थी वो उतनी ही काली और डरावनी थी, जिसका जिक्र वो खुद किया करते थे। माइकल पर यौन शोषण के आरोप भी लगे। वहीं 25 जून 2009 को माइकल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।